सुप्रभात दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं, हमारी जो अंजलि है उसकी बोर्ड एग्ज़ाम चल रही है जैसा आपको पता है, तो उसको लेके हम सेंटर तक जा रहे हैं आज। और देखिए हम आगे चलते हैं, तो हम अंजलि को लेके जा रहे हैं सेंटर। हाँ सेंटर पे मिल चुके हैं यहाँ पे, तो अब चलते हैं, पहुँचते हैं जल्दी से क्योंकि हम लोग लेट भी हो रहे हैं। तो ये हम सेंटर पे पहुँच चुके हैं, ये हमारा सेंटर है ना। अभी टाइम है ना अंदर जाने में, कितना टाइम है? 8:52। तो अब आप घुसना है, देख सकता है। आज हिंदी का एग्जाम है ना, तो चीज़ें ठीक है। अब वीडियो हम अपना वेट करते हैं कि ठीक नहीं है तो ये मतलब ठीक ही होगा ना, हिंदी वैसे भी ठीक ही रहता है, वही ना अपनी भाषा है ना, कर ही लोगे। और अभी तो अंदर जाना होगा, निकलोगे कब? 12:45 तो पौने 1 बजे जा रहे हैं। आज है सेकंड लास्ट, कल है आखिरी एग्ज़ाम, कल संस्कृत का एग्ज़ाम। तो मैं आज के एग्ज़ाम में आ गया इसके पास, बाकी दिन तो ये बाबा के साथ आई। कल आप आएंगे ना? अब देखते हैं बच्चे हैं तो जाओ लिखना बढ़िया से। तो अंदर जा चुकी है अंजलि और पूरे 3 घंटे बाद वापस बाहर निकले। तो बताओ कैसा रहा? अच्छा रहा, चलिए फिर अच्छा ही रहा। तो हिंदी का एग्जाम था, पूरा क्या ही जाना है, तो चलो चलते हैं फिर अब, है ना। सुप्रभात दोस्तों, यह है दूसरा दिन और ये प्याज के पौधे लगाए हुए हैं खेतों में। और दोस्तों आज हम लोग धान की प्रोसेसिंग कर रहे हैं अपने यहाँ। तो गांव में चूंकि पहले धान को प्रोसेस किया जाता है चावल बनाने के लिए, जिसमें पहले धान को भिगोकर छोड़ दिया जाता है पूरे 1 दिन तक। तो ये भिगोया हुआ धान है, ये पूरा 1 दिन तक भिगोकर रखा जा चुका है। अब हम इसको बड़े से वेसल जो आप देख रहे हैं, ये कड़ाहा है, इसको बड़े से चूल्हे पर रखी गई है, इसमें पानी डाली जाती है और उसके बाद ये भिगोया हुआ धान हम इसमें डालते हैं और फिर आँच लगाई जाती है इसमें। और इस प्रोसेस को उसरना कहते हैं, यानी ये धान उसरने की प्रोसेस है। तो सही वक्त तक आप धान को रखेंगे चूल्हे पे तो वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाता है धान, तो फिर इसको आप इस कड़ाहे से निकाल लेंगे और इसको निकाल कर सुखाना पड़ता है, यानी कि आप उसको धूप में सुखाएंगे सही वक्त तक, जैसे ये सूखने के लिए दिया जा रहा है। तो ये जब सूख जाएगा पूरी तरीके से, तो उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस होगी चावल बनाने की प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग इसको सूखने के लिए डाल रहे हैं। और दोस्तों गांव में अक्सर लोग कबूतर तो वो पालते ही हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कबूतर हैं और भी चिड़ियाँ हैं जो दानों को चूग रहे हैं। तो भैया बात ऐसी है कि हमारे टेबल तक चावल के प्लेट पहुँचने से पहले वो काफ़ी सारे मेहनत से होके गुजरता है। लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ पैसे दिए और चावल के प्लेट आ गए, लेकिन वो कीमत पैसों में जो हम आंक रहे हैं वो हमारी सबसे बड़ी गलती है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसे से इसे नहीं आंकी जा सकती है। आप समझिए कि बीज को बोना और फिर बीज को एक जगह बोने के बाद पौधा तैयार जब होता है, तो उसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना और पूरे वक्त तक उस पौधे का ख्याल रखना, उसमें सही से पानी लगाना, सही से खाद डालना, और जब वो पौधा सही से तैयार होता है तो फिर उसकी कटाई की प्रोसेस एक अलग है। कटाई की प्रोसेस में भी बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व होती है। उसके बाद फिर बीज को पौधे से अलग करना और फिर अभी अभी जो मैंने आपको उसरने का प्रोसेस बताया, ये वाली प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जाकर मील में डालकर, उसे मशीन्स में डालकर चावल बनाई जाती है, फिर भूसे और चावल को अलग करना, फिर जाकर वो जो है चावल आपका तैयार होता है। सच्चाई यही है, मतलब बैठे बैठे लोग अपनी ओपिनियन बना लेते हैं फार्मर्स के बारे में और चीज़ें हैं, लेकिन आप एक दिन खेत में जाओ ना तो फिर अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन ठीक है, ये है, मुझे मतलब दिखाना था थोड़ा सा, मैं गांव आया था, हम लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो तैयार कर ली जाए छोटी मोटी, है ना।
ये हमने की और आपने देखी भी, आप इसमें राय भी जरूर दीजिए। और हमारे घर में वैसे गाय भी हैं और बछड़े भी हैं, बड़े प्यारे होते हैं ये। आप जितनी ज़्यादा प्यार से इनसे पेश आओगे, वो उतना ही प्यार से आपसे पेश आते हैं। और बहुत मतलब मनोरम लगता है हमें जब भी हम करीब आते हैं इसके, तो हमें बड़ा अच्छा अनुभव होता है। तो इसमें आप अपनी राय दीजिएगा। एक छोटी मोटी वीडियो थी, तो हम जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ।